प्याफ फाउंडर्स अलायंस का लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स की इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जोरों शोर से जारी। प्याफ फाउंडर्स अलायंस के एजाज में उर्दू बाजार, गंपत रोड, पेपर मार्केट, फूल मार्केट समेत मुतादिद मार्केटों की जानिब से पुरवकार इस्तकबालिया तकारीब मुनाकिद की गईं। उम्मीदवार एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जिशान सुहेल मलिक की जानिब से अलायंस के कायदीन का फकीदुल मिसाल इस्तकबाल दीदनी था। उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव कमेटी लाहौर चेंबर जिशान सुहेल मलिक की जानिब से अलायंस के कायदीन को रैली की सूरत में मरियम टावर तक लाया गया, जहाँ लोगों का जम्मे गफीर मौजूद था। जबकि इस मौके पर ढोल की थाप पर गुड डांस का शानदार मुजाहिरा भी किया गया। अलायंस की क्यादत के मरियम टावर पहुंचने पर इन पर मनोफूलों की पत्तियां निछावर करते हुए इनकी दस्तार बंदी की गई, जबकि इस मौके पर बकरों का सदका भी दिया गया। तकरीब के दौरान मरियम टावर और मुल्हिका मुतादिद मार्केटों के रहनुमाओं की जानिब से अलायंस की हिमायत का ऐलान किया गया। दरीसरा जिशान सुहेल मलिक की जानिब से प्याफ फाउंडर्स अलायंस के कायदीन को घुड़सवारी करवाते हुए उर्दू बाजार, मरियम टावर, मछली मंडी, गंबत रोड, पैसा बाजार, फूल बाजार, पेपर मार्केट की तमाम मार्केटों का यके बाद दीगरे दौरा करवाया गया। जिशान सुहेल मलिक की जानिब से घुड़सवारी के जरिए मार्केटों के दौरे का मंजर दीदनी था, जबकि दौरे के मौके पर जगह जगह अलायंस के कायदीन पर फूल निछावर करके ताजिर रहनुमाओं की जानिब से इस्तकबाल किया गया। तकरीब के मौके पर अलायंस के कायदीन का कहना था कि आज का इस्तकबाल मुद्दतों याद रखा जाएगा और ताजरों की ये मोहब्बत मुखालफिन के लिए पैगाम है कि अलायंस की खिदमत की बदौलत ताजर बरादरी प्याफ फाउंडर्स अलायंस से मोहब्बत करती है और अलायंस को ही कामयाब करवाएगी। ऐसा पुरतबाग इस्तकबाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस तरीके से लोगों ने वालेहाना तरीके से इस्तकबाल किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं। मैं समझता हूं कि मैं अपने ओपोजिशन ग्रुप को बता देना चाहता हूँ, देखो लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, कितने प्यार के साथ हमें मिल रहे हैं, तुम्हारा हमारा क्या मुकाबला। इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे और पूरे भरपूर तरीके से हम जीतेंगे। जिंदाबाद। आज का इस्तकबाल मैं देख समझता हूँ कि उर्दू बाजार, गंपत रोड और ख़ास तौर पे जो मलिक सुहेल साहब ने इस्तकबाल किया है, ये सबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया मलिक साहब ने। और जिस तरीके से घोड़े और फूल और बकरों की कुर्बानी और नोटों की, मैं समझता हूँ कि पूरे लाहौर की आज यहाँ वहाँ पर नज़र आ रही थी। आज मरियम टावर में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 24 तारीख को जो लोग कहते हैं कि हम जख्म देंगे, उनको एक तोहफा हम दे चुके हैं 8 सीटों का। 24 तारीख को भी इंशाल्लाह 7 सीटों का उनको तोहफा देंगे। सबसे पहले तो जी मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और तमाम मार्केटों का, तमाम पाक लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का, ताजर बरादरी का, कि जिस भरपूर तरीके से वो प्याफ फाउंडर अलायंस को वेलकम कर रहे हैं, अपनी हमायत का यकीन दिला रहे हैं। मुझे इस टाइम पर नज़र नहीं आ रहा कि हमारी अपोजिशन में कोई खड़ा भी है या नहीं खड़ा, या कोई कैंडिडेट है या नहीं। मैं आपके चैनल की वसात से लाहौर की तमाम बिजनेस कम्युनिटी का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ, इस प्यार और मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह ताला हम वादा करते हैं कि इन फतह के बाद खुदा ने चाहा तो लाहौर चैम्बर की बिजनेस कम्युनिटी इसी तरह खिदमत करेगी। ये तमाम मेंबर्स आपके लिए इसी तरह तक दुआ करते रहेंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जिशान सुहेल मलिक ने अलायंस के कायदीन और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। मैं प्याफ फाउंडर अलायंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने, पूरी क्यादत ने मेरे यहाँ पे आज जो इस्तकबालिया दिया गया था उसमें शिरकत की है। मैं अपने मार्केट के जो मेरे दोस्त हजरात हैं, जो मेरे कजन आए हैं, मेरे दोस्त हैं और मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे वोटर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज बहुत बड़ा इस्तकबाल किया है। ऐसा इस्तकबाल किया है कि जो आज दूसरी पार्टी की आंखें खुल जाएंगी देख के इंशाल्लाह ताला। दूसरी पार्टी को चाहिए कि अपना 19 तारीख को अपने कागजात वापस ले और अपने घर जाके सो जाए। उनके बस का काम नहीं है ये इलेक्शन लड़ना, उनका बस का काम है सिर्फ वाह बिल्ला डालना। वो वाह बिल्ला डाल दिया उन्होंने, उनको चाहिए कि 19 तारीख को अपने कागज वापस लें और अपने घर जाएं। प्याफ फाउंडर्स अलायंस के कायदीन की अनथक मेहनत का सिलसिला जारी है। लाहौर की तमाम मार्केटों में अलायंस की जड़ें मजबूत हैं, जिसका अंदाजा अलायंस के इस्तकबालियों से बखूबी लगाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि अलायंस इस बार भी क्लीन स्वीप करेगा। कैमरामैन अली उस्मान रजा के साथ एचआर कादरी, न्यूज 6 लाहौर।